आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है खौलता सियासी पारा, ऑपोजिशन की वजाहतें, हुकूमत का जारहाना अंदाज, BRT आरामदेह कोचेस शोले क्यों उगलने लगी, क्या मसला फलस्तीन का दो रियासती हल काबले अमल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कामयाब कानून साजी के बाद हुकूमत का अंदाज फातेहाना, जबकि वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा के बयान भी जारहाना दिखाई दे रहे हैं। फैटफ मामले पर पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद कामयाबी पर हुकूमत फतह का जश्न मना रही है और साथ ही अपोजिशन को खुलकर ये बावर कराने में मसरूफ दिखाई देती है कि अपोजिशन के बयान, सियासी दावे ये सिर्फ हवाई हैं, जबकि नारे भी खोखले हैं। ये अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने सीनियर सहाफी हामिद मीर की ट्वीट में लिखा कि 3 दर्जन यानी 36 अफराद ने जमीर की आवाज़ सुनी। असद उमर ने अपोजिशन की नाकामी पर ट्वीट की। असद उमर के मुताबिक पिछले चंद हफ्तों में अपोजिशन की सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में 3री मरतबा शिकस्त हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपोजिशन की अददी बरतरी के बावजूद नाकामी हुई है। असद उमर ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनसे असम्बली में अपने 200 मेंबर संभाले नहीं जाते और सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने के दावे कर रहे हैं। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि कल पाकिस्तान ने NRO को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वफाकी वजीर ने एक बार फिर दावा किया कि इंशाल्लाह शीन निकलेगी और शीन का निकलना तय है। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनका कहना था कि 20 सितंबर को APC नाकाम होगी। ऑपोजिशन सिवाय जलसे जुलूस के कुछ नहीं करेगी। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। 20 तारीख को ऑपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। अगर उनके सेनेट के इलेक्शन में 64 मेंबर इस कमरे में होते हैं और उस कमरे में जाते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। कल 38 मेंबर उनके कम थे। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी और सवाय ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जरूरत नहीं है, उनमें बुजदिल लोग हैं, ये जेले नहीं काट सकते। अब जरा ऑपोजिशन की बात करते हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन, जिसे गुज़श्ता रोज ऐवान में बोलने का मौका नहीं मिला था और खुलकर बोलने की हसरत दिल में लिए ऐवान से वॉकआउट कर गई थी, आज ऑपोजिशन ने अपने दिल के अरमान पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में निकाले। कायदे इस पे इख्तलाफ, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़श्ता रोज की जाने वाली तनकीद का जवाब देने का मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। गुज़श्ता रोज इमरान खान उनके हवाले से क्या कह रहे थे और उसका जवाब आज उन्होंने किस तरह से दिया, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं ग्वाल मंडी में बड़े बड़े नेक लोग रहते हैं, ग्वाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आगे बसे। वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो जारहाना गुफ्तगू की वजह से जाने जाते हैं, जो जोश खिताबत से आग लगाना और फिर फरते जज्बात में माइक गिराना भी कभी नहीं भूलते थे, आज उनका अंदाज जारहाना नहीं बल्कि मुफाहमाना मालूम हो रहा था। आज वो खुलकर तनकीद नहीं कर रहे थे, खुलकर तनकीद करने की बजाय प्यार मोहब्बत और खलूस की बातें कर रहे थे। माजी शरीफ और फिर आज के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ के अंदर क्या फर्क दिखाई दिया, जरा उसका तकाबली जायजा लेने की कोशिश करता है। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान हम अपने मुल्क के अंदर 4 सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आजाद कश्मीर को हम एक लड़ी में नहीं परो सकते। प्यार और मोहब्बत से, शफकत से अगर कोई मुझसे कोई सख्त बात करता है, अपना जायज गिला पेश करता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ यार आप बैठें,
ठंडा गिलास का पानी पिए, चाय पिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आपकी अगर कोई जेन्युइन बात है तो मैं माजर चाहता हूँ, आइंदा आए मिलके हम इस मुल्क को इकट्ठा बनाएं। अब सवाल यह है कि कायदे इस इख्तलाफ के मिजाज में बदलाव की वजूहात क्या हैं? एक जानब मरियम नवाज हैं कि जारहाना ट्वीट्स भी कर रही हैं, बयानात भी दाग रही हैं, तो दूसरी जानब शहबाज शरीफ है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या वाकई नून और शीन लीग अलहदा हो रही है? इन दिनों कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कुर्बतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि माजी में सड़कों पर घसीटने के दावे करने वाले, एक दूसरे पर खुलकर गरजने बरसने वाले कायदीन आज बाहम शीरो शकर कैसे हैं? ये ताल्लुकात किस कदर देर पा हो सकते हैं? क्योंकि माजी के जिन बयानात का हवाला दिया जाता है वो आजकल के हालात से बिल्कुल मुतसादिम हैं, इनसे बिल्कुल बरक्स हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से शिकवे करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ऐवान में बोलने भी नहीं दिया जाता, इस हवाले से अपने शिकवे का इजहार किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी देखिए। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आईन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामेंट को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलाफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमाते भी मजबूर होंगे। अब एक तरफ ऑपोजिशन की दो बड़ी जमाते हैं कि बाजार साथ चलती हुई दिखाई देती हैं, तो दूसरी जानब ऑपोजिशन की छोटी जमाते सड़कों पर राय आमा हमवार करती हुई दिखाई देती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फै और इसी हवाले से जमात इस्लामी के सेनेटर सिराजुल हक का क्या कहना था, आज वो किस तरह अवामी इज्तमात से खिताब कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत मौजूद नहीं है, और जो हुकूमत है वो अवाम की नहीं, वो धांधली की पैदावार। माएं बहनें और बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? यहां बड़ी तादाद में बच्चे जमा है। गुजदार साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आपके पंजाब में बच्चे क्यों नहीं है? अब ऑपोजिशन जमातों के कायदीन के जज्बाती बयानात अपनी जगह पर, मगर सवाल तो यह है कि ऐवान के अंदर मुसलसल नाकाम होती ऑपोजिशन किस तरह राय आमा हमवार कर सकती है? अब यह पहला मौका नहीं है कि जब ऐवान में ऑपोजिशन को शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, बल्कि इससे पहले भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और फिर आरबी एक्ट में तरमीम जैसे मामले पर भी ऑपोजिशन मुनकसम दिखाई दी है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुकूमती अराकीन की मजमूई तादाद 217 है, जिनमें से 200 इजलास में शरीक और 16 गैर हाजिर रहे। इसी तरह ऑपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 226 है, जिनमें से ऑपोजिशन के 190 अरकान ने मुश्तरका इजलास में शिरकत की और 36 गैर हाजिर रहे। इसके बाद सवाल तो उठता है, सवाल यह है कि किसके बयानिए को कितनी तकवीयत मिली है? क्या हुकूमत का बयानिया मजबूत हुआ है या फिर ऑपोजिशन का? क्या ऐवान के अंदर नाकाम दिखाई देती ऑपोजिशन ऐवान से बाहर कामयाब हो पाएगी? क्या इस तरह एक एपीसी के बाद दूसरी एपीसी हो जाएगी? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आपके 36 अराकीन, ऑपोजिशन के 36 अराकीन ऐवान से गैर हाजिर रहे, क्या ऑपोजिशन ने संजीदगी से पता लगाने की कोशिश की है कि इस मामले के पीछे क्या था, ये अराकीन ऐवान से गैर हाजिर क्यों थे? देखें, आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी साहब नहीं थे, खुर्शीद शाह साहब नहीं थे, और इसी तरह हमारे हासिल बजिंजो मरहूम डेथ हुई भी हमारे अलाइज हैं, उनके 2-3 सेनेटर्स नहीं थे, एमएनएस नहीं थे, मैंगल साहब के लोग नहीं थे, कुछ लोग बीमार थे, और हमारी एक एमएनए तो बल्कि ड्रिप लगा के हॉस्पिटल से पहुँच गई थी। कुछ लोगों को इन्होंने काउंट नहीं किया, शाहिद खाकान अब्बासी को काउंट नहीं किया, और हमें काउंटिंग पे भी इनकी जो है टेम्परिंग का बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जब हमने ये इतना रोमपस वहाँ क्रिएट कर देते इनके एमएनएस खड़े होके के पता ही नहीं लगता कौन बैठा और कौन खड़ा हुआ है। जब हमने इन्हें कहा कि क्लियर डिवीजन करवा के दोबारा इनको एक एमएनए हमारा और एक आपकी तरफ से आके गिन लें, तो हमारी बात नहीं मानेगी।
बहुत सारी चीजें हैं हमें महसूस होता है। डॉक्टर साहब, लेकिन 36 का जो अदद है, जो 36 का फिगर है, वो बहुत बड़ा है। यकीनन 3 दर्जन लोगों का ऐवान से गैर हाजिर होना, उसमें सेनेटर तला महमूद भी हैं, सेनेटर अताउर रहमान भी हैं, यकीनन वो तो बीमार नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार नहीं थे और किसी आरजे के ना होने के बावजूद ऐवान में नहीं आए हैं। और फिर डॉक्टर साहब, आपको याद होगा ये कोई पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतबाद की तहरीक चलाई गई थी वो भी बुरी तरह नाकाम हो गई थी। तो सवाल तो उठता है कि ऐवान के अंदर बार बार ऑपोजिशन नाकाम क्यों हो रही है? सर देखें, अगर आप इसका पता लगाना चाहते तो उन लोगों को ढूंढें, उन फोर्सेस को ढूंढें जो ऐवान में 65 लोग खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं, जिसका आपने जिक्र किया चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का पिछले पहली अगस्त को जो 2019 में हुआ, कि कौन क्यों जाके जब 5 मिनट तक खड़े रहे, सबकी वीडियो बनी, आपके मीडिया ने देखा, आवाम ने देखा, अपर हाउस यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब पर्दे के पीछे गए तो वहाँ पर कुछ लोग अपनी मजबूरियों की वजह से या किसी और वजह से वो हमारे 50 निकले और 13-14 जो थे वो कम निकले। पता उस वक़्त भी लगाया था बहुत सारों के बारे में, कायदीन को पता भी है, और कुछ तो आपको भी पता है कि कुछ कायदीन ने पहले ही कुछ सेनेटर्स का बता दिया था कि ये हमें वोट नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कम अज़ कम, जिनके खुद अपोजिशन लीडर जिनकी जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन से अराकीन कौमी और असेंबली हैं और सेनेटर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए ना सर। देखिए कुछ बहुत सारे लोग हैं, मसलन सलीम जिया साहब शदीद बीमार हैं और इस तरह भी हैं, मैंने जैसे आपको बात की है, रुबीना खालिद जो है पीपल्स पार्टी की वो बीमार थी और वो हमारे कायदीन के बिल्कुल नॉलेज में है। मुझे बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने खुद लिस्ट लगाई है कि ये देखें मेरे पास है, मुझे पता है मेरा कौन कौन नहीं है। वहाँ पे मक्सी साहब उनके MNA थे, उनके बारे में उनके भाई की डेथ हुई हुई थी, बहुत सारी ऐसी वजूहात थीं जिसकी वजह से ये है, और उसमें कोई हमें उनमें जो गैर हाजिर थे उनमें किसी पर कोई शक नहीं है कि वो किसी वजह से नहीं है। आपने अताउर रहमान साहब का जिक्र किया, मुझे तो हंसी आ रही है, और उनके बारे में क्या कहते हैं तला महमूद बारे सेनेटर बारे में, इस तरह और बहुत से लोग थे, हासिल बजिंजो साहब नहीं वो उसके सॉरी ताहिर बजिंजो साहब नहीं आ सके, बहुत सारे लोग थे उन्हें एमरजेंसी में, क्योंकि हर काम किया गया है उजलत में किया गया है। आपको ये पता है ये जॉइंट सेशन जो है 12 घंटे पहले ये कहा गया है कि जी जॉइंट सेशन होगा कल, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकला, और एजेंडे में भी जो बिल थे उसके अलावा इन्होंने बिल पेश किए, और यही वजह है कि जिसको कहा गया कि आप बिल पढ़े, और बाबर अवान साहब ने बार बार स्पीकर को ये बात कही कि बिल की एक एक शिक को पढ़ना लाजमी है, वो साहब वो मसूफ वो MNA जो बिल पेश कर रहे थे उन्होंने तमाम क्लॉज 1 से लेके 50-60 तक ये कहा कि इसे पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए, और स्पीकर की गैर संजीदगी देखें कि वो कहका लगा के कहते हैं सबको, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के बाबर अवान ने ओपोजिशन नहीं है, खाली ऐवान है, सिर्फ हुकूमती अरकान बैठे हुए हैं, उन्हें बताया है कि पढ़ना लाजिम है, और ओपोजिशन मेंबर की तरफ से स्पीकर की जानिबदारी पर भी सवालात उठाए जाते रहे, नारेबाजी भी होती रही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस वक्त ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? फिर देखिए APC होनी है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होनी है, और उसमें एक ये भी चीज़ होगी, बिल्कुल स्पीकर ने जो रवैया इख्तियार किया है, और मैं तो ये कहूँगा कि चेयरमैन सेनेट का भी रवैया जो है वो नहीं रहा, अब वो भी कुछ अपनी कुर्सी से वो उसका जो क्या कहते हैं इत्माद है लोगों का वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे, बहुत सारे सेनेटर जो हैं उनके खिलाफ नाराज़गी शो कर रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं कि इस तरह एड्रेस करने का अपने हाउस मेंबरान को और उन्हें वो बात करने का। एक सेनेटर ने 5 घंटे तक लाइट ऑन रखी है अपनी माइक की, लेकिन उन्हें मौका तो नहीं दिया गया। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर आप स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? देखिए कुछ पॉलिटिकल एक बात पे तो सब मुत्तफिक हो गए हैं कि जो माजी था वो माजी था, माजी में हमने गलतियां की हैं, माजी से पहले भी सीखा है मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और बेनज़ीर भुट्टो ने भी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से। अब तमाम पार्टीज चाहे वो बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो,
तमाम नेशनल पार्टीज का ये मुत्तफिका जो फैसला है कि हम अब शख्सी आज़ादी पे, ह्यूमन राइट्स पे और वोट की इज्जत पे कल भी नारे लगे हैं, वो जो है अवाम ताकत का सरचश्मा है, एक पेज पे आ गए हैं और इस पे आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है, जब आप स्पीकर की जानिबदारी के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के रवैये पर आपको शिकवे हैं, तो क्या चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की पोजीशन में हैं आप? देखिए, मैंने ये कहा आपको कि जब पार्टी कायदीन को बात ना करनी दी जाए, जब बिलावल भुट्टो साहब उठे और स्पीकर उन्हें माइक ऑन कर दें, उनकी लाइट स्पीकर माइक की ऑन हो जाए और प्राइम मिनिस्टर ऐसे इशारा करे कि इनको नहीं देना और वो फिर बंद कर दे और फिर उनकी तरफ देखे ही ना, वो बार बार कह रहे कि मेरा आपने स्पीकर ऑन किया, बंद क्यों किया, मुझे बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ दी ओपोजिशन अपनी सीट से उठ के उनके पास जाके उन्हें बात करने, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर आपके पास इस्तेहकाक है ना कि आप अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, क्या चलाने के मूड में हैं? चला सकते हैं। जब एक शख्स, आप बात समझे, जब एक शख्स रेड लाइन क्रॉस कर ले तो उसके बाद क्या रह जाता है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना आपसे सर कि आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे काउंटर करेंगे इसको? देखिए, मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सबका यही ख्याल है कि इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए, क्योंकि ये कुर्सी जो है न्यूट्रल है, ये किसी पार्टी की नहीं है, ये ऐवान की है, ये पार्लियामेंट की है और इस पर ऐसा शख्स को बैठना चाहिए वो किसी के इशारे पर ना चले। डॉक्टर साहब, उसका सद्देबाब का आईनी और कानूनी तरीका तो यही है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं। मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे या फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन आपके पास है? देखिए, ये सब बैठेंगे, परसों एपीसी होगी, जब सब बैठेंगे तो फिर इसके भी लाइमल तैयार किया जाएगा, प्रोज एंड कॉन कि किस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इलेक्शन आगे सेनेट के भी आने वाले हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कि कितना अरसा पहले अदम एतमाद आ सकती है कि नहीं आ सकती, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। मार्च में सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, जहां पर पहले ही कोई मूवमेंट चलती है अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आती है, अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ती है और कानून साजी का मामला आता है, तो वहां पर भी इस वक्त हुकूमती बेंचेस से फातेहाना अंदाज में बयान भी दागे जा रहे हैं। ऐसे में अगर सेनेट के इंतखाबात आते हैं जैसा कि मार्च में आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या पोजिशन होगी? जिस वक्त कौमी असम्बली के अंदर अददी अक्सरियत जो है वो हुकूमती बेंचेस पर ज्यादा है, तो यकीनन ऑपोजिशन के लिए सोचने की बात है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि धुआं उड़ाती बसें शोलों में क्यों तब्दील होती जा रही हैं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीके इंसाफ का इनकलाबी मंसूबा जो संगे बुनियाद से इफ्तिताह की तख्ती लगने तक मुसलसल सवालात की जद में रहा है, मंसूबे की तामीराती लागत से लेकर बार बार डिजाइन की तब्दीली पर सवालात उठे हैं, मनपसंद ठेकेदारों को नवाजे जाने से लेकर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल तक, हर बार अवाम ने पीटीआई से जवाब मांगा। आगाज में 29 अरब के दावों से तकमील के सफर का आगाज किया गया, मगर मनसूबा 70 अरब रुपए में भी मुकम्मल नहीं हो सका। बिलाखिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 13 अगस्त को अधूरे मनसूबे का इफ्तिताह कर डाला। बसें जुई ट्रैक पर पहुंची तो हुकूमती दावों की रही सही कसर भी पूरी हो गई, हुकूमती दावों की तमाम तर कलई खोल दी, धुआं उड़ाती बसें ट्रैक पर शोले उगलती दिखाई दी और बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने इस अजीम मनसूबे को आरजी तौर पर बंद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस बड़े मनसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने 13 अगस्त को पिशावर में किया था। पहले मरहले में 2 मेन रूट्स पर 61 बसें चलाई गई, जिनमें से 25 बसें एक्सप्रेस रूट पर जबकि 36 बसें स्टॉप्स और रूट्स पर चलाई गई। दावे किए गए कि इस इनकलाबी मनसूबे से पिशावर के मजदूरों, तालिब इल्मों और मुलाजमत पेशा अफराद की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन इफ्तिताह के फौरी बाद ही इन बसेस में आग लगने के वाकयात सामने आना शुरू हो गए। बस में आग लगने का पहला वाकया 26 अगस्त को पेश आया, जब एक बस हयाताबाद स्टेशन पर आकर रुकी और उसमें आग लग गई। इसके बाद 3 और 11 सितंबर को बसेस में आग लगने के वाकयात सामने आए, जबकि चौथा वाकया 16 सितंबर को सामने आया। हालिया वाकये के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस शेयर की जा रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि BRT बस में लगी आग पर काबू पाया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक बस कंपनी के माहिरीन वाकये की तहकीकात करेंगे। अब सवाल उठता है कि हुकूमत ने बसेस के मुआयने के बगैर इन्हें क्यों चलाया?
क्या टेस्ट ड्राइव्स के अंदर इन मसाइल की निशानदेही नहीं हो सकी थी? क्या सूबाई हुकूमत ने बस ड्राइवर्स की तरबियत के लिए इंतजाम किए थे? इन तमाम तर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब आपके वक्त के लिए। सर कहिएगा, बीआरटी के इफ्तिताह से अब तक को 5 बार आग लग चुकी है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई बीआरटी का इफ्तिताह उजलत में किया गया? लिहाजा आपको पता है शुरू करने से पहले 2 महीने तक हमने उसकी टेस्टिंग सर्विस जो है ना वो जारी रखी है, और इसका मतलब ये था कि हम देख सकें कि इसमें कोई खराबी हो या इस तरह, क्योंकि 228 बसें हैं और हाइब्रिड बसें हैं और पहली दफा पाकिस्तान में लाई गई हैं, और तो इसलिए टेस्टिंग सर्विस शुरू की। लेकिन अब ये कि जब ये वाकयात शुरू हुए तो बाकायदा कंपनी को इन्फॉर्म किया गया और कंपनी वाले पहुंच चुके हैं, उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और पिशावर आ चुके हैं। 8 के करीब इंजीनियर आए हैं, 5 के करीब लोग जिन्हें मजीद आ रहे हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि जी आप फिलहाल सर्विस को मुअत्तल करें ताकि हम आराम से इसको देख सकें कि इसमें है क्या क्या वजह हो सकती है, या तो मेजर फॉल्ट हो सकता है या कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। लेकिन शौकत एक सवाल तो उठा सर कि ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर यकीनन सवालिया निशान है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इससे पहले या तो तय नहीं किए गए थे, इस हवाले से कोई टेस्ट रन नहीं हुआ था, कोई बग्स पे कंट्रोल नहीं किया गया था, या तो ये वजह है या फिर चलने के बाद वो एक्सपोज हो रहे हैं, इस हवाले से भी कंपनी से आपकी कोई बात हुई? देखिए डेफिनेटली हमसे ज्यादा कंपनी को भी फिक्र है, क्योंकि उनकी स्टॉक का मसला है, उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, इसलिए वो जैसे ही उनको ये बात पहुंचाई गई फौरन पहुंचे हैं। मैंने आपसे कहा है उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं मेजर इक्विपमेंट्स वो भी पहुंच रहे हैं, और कल से वो शाम से जब से हमने मौतल की है सर्विस उसके बाद आज पूरा दिन वो लगे रहे, जो बड़े इंजीनियर्स हैं उनके वो लगे रहे, और यही मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही कि इसमें क्योंकि कोई से फॉल्ट है जो जिसकी वजह से ये इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो वो फॉल्ट मालूम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें कल तक बता भी देंगे कि जिसमें ये फॉल्ट है और वो उसको दूर कर लिया जाएगा। तो इस तरह क्योंकि हमारे पास सेफ्टी मेजर तो यही थे कि हम किसी किस्म का रिस्क ना लें, क्योंकि इंश्योर्ड हैं, वारंटी के अंदर हैं, ना तो हम हमारे पे ऊपर तो कोई वो नहीं है। हाँ ये अलबत्ता ये आवाम को तकलीफ हुई है, उसकी वजह से हमने काफी उनसे नेगोशिएट भी किया है कि वो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो खुदा का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें फॉल्ट लाइंस तो मौजूद है, और आप कह रहे हैं कि सुबह से कंपनी काम कर रही है, फॉल्ट लाइंस अभी तलाश नहीं की गई है कि किस जगह पर बग्स मौजूद हैं, कहां पर फॉल्ट्स मौजूद है, तो इस हवाले से जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंश्योर्ड हैं बसेस, लेकिन ब्रेक तो लगी है ना बीआरटी को, तो ये कब तक ब्रेक लगी रहेगी, कब तक फॉल्ट तलाश कर लिया जाएगा और उसके बाद फिक्स करके फिर से ये ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देगी, इस हवाले से कोई श्योरिटी दी गई हो आपको? जी बिल्कुल, हम आज हमारा बोर्ड की मीटिंग भी हुई और उसमें भी यही तय हुआ कि जी इनसे टाइमलाइन मांगी जाए, क्योंकि हम ज्यादा देर तक अपनी सर्विस को मुअत्तल नहीं रख सकते। लोग इसके अंदर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आपको पता है बहुत अच्छा जो है वो लोग इसके अंदर सफर करें, जब तक ये हम शाम तक मुअत्तल कर रहे थे उस तक आप देखें बसें भरी भरी जा रही थी, तो मतलब ये कि एक किस्म का एक हमारा भी तो नुकसान हो रहा है, हमारी भी साख मुतासर हुई है, तो इसमें तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके, और उन कंपनी की तरफ से भी अभी तक रिस्पॉन्स सही आया है, वो भी यही कह रहे हैं क्योंकि 2022 तक ये जो है ना जुलाई 2022 तक इंश्योर्ड है हमारी जो बसें, इसमें सिर्फ 20 बसें ऐसी हैं जो 2021 तक इंश्योर्ड है, बाकी सारी 2022 तक है, तो अभी है टाइम भी है इसके अंदर इंशाल्लाह ताला, ये तो अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मेजर वो नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बसें तो यकीनन इंश्योर्ड है लेकिन फिर भी ये जमानत नहीं हो सकती, खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में ऐसा कोई बड़ा हादसा रूनमा होता है और कुछ इंसानी जान चली जाती है तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि साख मुतासर हो रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसानी जान जाती है इस हादसे के नतीजे में, यकीनन ये भी आपके पेश नजर होगा शौकत यूसुफ जई साहब? जी बिल्कुल, हमारे पेश नजर भी है, हमने बात भी की है, जो मास्क जो जो कंपनी है ये गोल्डन ड्रैगन कंपनी है चाइना की, और उनके जो अच्छे इंजीनियर है वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे हमारी बात हुई है कि जी मसला ये है कि आपके तो
अपनी कंपनी की साख की आपको पड़ी है, हमें अपनी साख की भी पड़ी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमने शुरू किया है। तो अब जाहिर है टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा सर, एक और मामला है, देखिए स्कूल्स ओपन हुए अरसा 6 माह के बाद तकरीबन, और 22 स्कूल्स जो है उनको SOPs की खिलाफ वर्जी पर फिर से बंद किया गया, उसमें से 16 स्कूल्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर SOPs की अमलदारी नहीं हो रही स्कूल्स में, और 16 स्कूल्स में इस तरह से एजुकेशनल एक्टिविटी को भी ब्रेक लग जाना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर? देखिए यहाँ पर मॉनिटरिंग तरह ज्यादा सख्त है, आपको पता है हमारा जो तालीमी निज़ाम है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, KP जो है वो काफी, क्योंकि हमारी हुकूमत भी रही है पिछले 5 साल में, जो हमारे IMU बनाया है, जो मॉनिटरिंग यूनिट है हमारा, वो काफी तेज है और वो किसी चीज पे कम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो इस वजह से भी ज्यादा हमारे फिगर्स आ रहे हैं। आप देखें कि दूसरे सूबों में शायद इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है, अगर कोई SOP तोड़ रहा है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि साना गुजरपुरा ज्यादती केस का मुलजिम, जो मरकजी मुलजिम है आबिद मलिक, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मशरक वस्ता में सफारती सतह पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। मुतहद अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद एक प्रेशर पाकिस्तान पर भी है, और इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इसी तनाजुर में वजीर खारजा शाह महमूद कुरेशी ने इसराइल के हवाले से पॉलिसी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि मसला फलस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती कयाम है, फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और फलस्तीन की रियासत का दारुल हुकूमत अलकुदस होना चाहिए। अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर तनकीद की जा रही है, क्योंकि वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू इस लाए अमल पर यकीन रखते हैं जिसे 1920 की दहाई में आयरन वॉल कहा जाता था। इसके तहत इसराइलों का ख्याल यह था कि इसराइल को इस कदर मजबूत बना दिया जाए कि अरबों के पास और कोई चारा ना हो सिवाय इसके कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। मुतहद अरब अमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल के ताल्लुकात को अमरीकी सदर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी भी करार दे रहे हैं, लेकिन अरब हुकूमतों को आवाम की जानिब से शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। वायदे के फौरी बाद बहरीन की आवाम की एक बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा किया, यही नहीं बल्कि लंदन और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को फलस्तीनी आवाम में यानी खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है, इस हवाले से कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। मुजाहिरीन का मौकफ यह है कि इस माहदे की वजह से अरबों का वो तवील इतफाक राय टूट गया है जिसके मुताबिक इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात की कीमत फलस्तीन की आज़ादी थी, और अब इसराइल अरब रियासतों के साथ नए ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, जबकि फलस्तीनी अब भी मशरकी यरूशलम में और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे में मुश्किलात का शिकार है, और गजा में गोया खुले कैद खाने में जी रहे हैं। यकीनन इस वक्त मशरक वस्ता और खलीजी ममालिक का इम्तहान है कि वो फलस्तीनी अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या उनके पेश नज़र वक्ती मफादात हैं। बहरहाल बदलते आलमी मंजरनामे में अरब को दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना होगा, वहीं पाकिस्तान के लिए भी यकीनन एक इम्तहान ज़रूर है, एक सवाल ज़रूर है, लेकिन इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा का पॉलिसी ट्वीट आना यकीनन फलस्तीनियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। ये तो था आज का दस्तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.